वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस आ चुका हूं मैं एक और गेम प्ले के साथ। और गाइस आज फिर से हम वही टेंट वाली जगह पर जा रहे थे। और गाइस देखो एक स्क्वाड हमसे पहले उतर चुकी है। अब गाइस हमारी इतनी गंदी फटी थी क्योंकि मैं यहां उतरा हूं अकेला अपनी टीम से थोड़ी सी दूर। यहां मुझे एक गन नहीं मिली तो मैं सोचता हूं थोड़ी पीछे जाऊं। यहां पे एक बंदा पहले ही मिलता है मेरे को शॉटगन लेके, दोनों बैठा था तो मैं जल्दी से इधर भागता हूं तो मेरे को यहां शॉटगन मिल जाती है। तो चलो थोड़ी तसल्ली मिलती है तो मैं इधर आके सांप बन जाता हूं। अब गाइस देखना मेरे साथ क्या स्कैम होगा। देखो बस अब भैया जी आए नहीं हत्ते। अब भैया जी मेरे को एकदम देख लेंगे और यहीं आगे मेरे साथ लेट जाएंगे। फिर सोचते हैं मारना भी था तो मुक्का मारने लगता है तो फिर मैं इन्हें भी मार देता हूँ। तो मैं जल्दी से इन्हें पूरा फिनिश करता हूँ। अब गाइस एक ही गोली बची थी मेरी शॉटगन में तो भैया जी मेरे पास आते हैं तो मैं एक गोली मारता हूँ पर वो मिस हो जाती है मेरी। इतने रीलोड होने लगती है बस इतने भैया जी मेरे को पेल देते हैं नोक। बस अब मैं बचता हूँ इतने में मेरा टीममेट करते हैं ख़त्म। अब मैं अपने टीममेट को बुला कर जल्दी से रिवाइव करते हैं और यहाँ अब एक ही स्कोर आई थी फिर निकलते हैं इधर से। अब तो अब गाइस मैं यहाँ से गाड़ी लेके अपने टीममेट्स के पास जा ही रहा था इतने मुझे पीछे से आती है बोट साउंड। तो मैं भाई जाना पड़ेगा, दो बोट इकट्ठे लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कोई इकट्ठे मारे तो उससे पहले मैं जाके उनको पेल देता हूँ, किल भी मिल जाएंगे अच्छे। तो गाइस देखो यहाँ पे स्कोप बोट की स्कोर आई हुई थी पूरी की पूरी। तो एक मैं सोचा मेरे हाथ में M4 है, M24 निकलती है तो मैं जल्दी से पहले एक बोट को ख़त्म करता हूँ, इतने दूसरा बोट आता है तो उसको भी ख़त्म करता हूँ। अब मैं जल्दी से इसको पूरा फिनिश कर देता हूँ। टैप टैप करके कर रहा था क्योंकि गोलियां मेरे पे बहुत कम ही थी। अब मैं जल्दी से यहाँ से गोलियां और उठाता हूँ। तो अब गाइस मैं जल्दी से दूसरे वाले बोट को लूट लेता हूँ क्योंकि भैया जी हमारे स्कारल लेके आए थे, गोलियां तो लाई होंगे तो बड़ी सारी गोलियां ले आते हैं। तो गाइस जब मैं इसको लूट ही रहा था तो मेरे को एक साउंड आती है, अब मेरे को लग रहा था रियल बंदा तो नहीं आ गया तो फिर ये भी हमारे बोट दादा निकलते हैं। तो गाइस पूरी की पूरी स्कोट आ गई बोट की, तीन बंदे आए। मैं सोच रहा था ये भी एक और आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, अगर नहीं आता तो हम चलते हैं यहाँ से। तो गाइस सीधा मैं अपने टीममेट के पास चलते हैं और आज हम दो गाड़ियां लेके चलेंगे क्योंकि दो गाड़ियों में बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं जल्दी से अपने टीममेट के पास पहुंचता हूं, इसको बिठाते हैं और अपनी हेल्थ पूरी करूंगा मैं बैठ के, फिर चलते हैं हम सीधा गाइस मिल्टा की तरफ। तो गाइस मिल्टा की तरफ आते ही हैं तो यहाँ पर हमें फायरिंग भी हो रही थी और इतनी गंदी गेम लैग हो रही थी ना। तो गाइस हमें बंदे भी दिख गए थे, सारे की सारी फायरिंग टेंट वाली तरफ हो रही थी। तो जल्दी से हम टेंट वाली तरफ आते हैं, इतने मेरा टीममेट बोलता है लेफ्ट में ही बंदे हैं तो वापस पता नहीं क्यों मोड़ लेता, तो हम उसे पीछे पीछे ही रख रहे थे। अब हमें पता लग गया था टेंट वाली तरफ में दो बंदे हैं सिर्फ। तो गाइस अब देखो मेरे टीममेट के साथ क्या स्कैम होगा, पूरा बंदा उड़ा देगा और गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है वो बंदा पर उसको किल नहीं मिलता। मैं जल्दी से उतरता हूँ और इस बंदे को मैं ख़त्म करता हूँ, फ्री का किल मिल गया नहीं तो मेरा टीममेट के हाथ था ये। तो गाइस मैं जल्दी से इस भैया जी को पूरा फिनिश करते हैं क्योंकि बहुत दर्द हो रही थी इनके पेट में। तो जल्दी से सारी गोलियां भी ले लूँगा, तो M24 पड़ी होती है तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ M24 ले लो यहाँ से। तो गाइस इतने में इसका बंदा छुपा होता था तो मेरे टीममेट ने उसको भी ख़त्म कर दिया तो उसके अंदर से भी मुझे फ्लेयर गन मिल जाती है। अब हमारे पास दो फ्लेयर गन थी तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ चलो सीधा चलते हैं अपार्टमेंट में, वहीं चलाएंगे सीधा फ्लेयर, सही बंदे आते हैं उधर। तो गाइस हम आते हैं अब सीधा कैसे गेड़ियाँ मारते हुए, हम इस घर को चेक करते हैं पर यहाँ पर हमें कोई नहीं मिलता। तो यहाँ पर भाई रेड जोन, हमें डर लग रहा था आज फिर से रेड जोन ना गिर जाए बस। तो गाइस हम अपार्टमेंट्स में पहुंचते ही हैं, हम बस सोच रहे थे अब यहाँ पे कोई कैंपर स्कोर ना बैठी हो बस यार, पूरी दो की दो फ्लेयर हमारी ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे जल्दी से रुकते हैं हम, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ यहीं चला दे, क्या पता हम इतने ऊपर पहुँचे जोन आगे टच हो जाए, तो हम यहीं से जल्दी से फ्लेयर चलाते हैं। अब गाइस देखो बोट स्कोर आएगी तो अब गाइस देखो पूरे मजे आने वाले हैं, दो किल उसमें से मैं मारूंगा और एक मेरा टीममेट। अब गाइस देखते जाओ, मैं बस यहाँ पे आके ऐसे ही देख ही रहा था, मुझे सामने से भैया जी दिखते आते हुए बोट दादा हमारे, तो मेरे पे स्कोप तो था नहीं तो मैं ऐसे एक एक गोलियां मार के कोशिश कर रहा था M24 की लग जाए पर बार बार बोट दादा हमारे बचते जा रहे थे। तो गाइस देखो यहाँ पे रुकते हैं तो मैं यहाँ पे एम लेके बैठता हूँ, फिर से हिल जाते हैं बोट भाई, इतने में आखिरी गोली मेरी कनेक्ट होती है पर उसी टाइम बोट दादा हमारे घर के पीछे छुप जाएंगे। अब गाइस देखो इसका एक और पीछे से बोट भाई आ रहा था तो उसको एक गोली मारता हूँ, तो जल्दी से वो भी छुपने वाला था दूसरी गोली में उसको ख़त्म करता हूँ। अब गाइस देखो यहाँ पे एक कैंपर बैठा ही हुआ था जो कि AFK था, मैं जल्दी से यहाँ कूदता हूँ, मेरे कूदते हुए भैया जी दिखते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या ही कर रहे थे, AFK थे शायद। तो मैं जल्दी से इसमें पूरा नॉक करता हूँ, जल्दी से करते हैं ख़त्म इसको भी। अब एक बोट दादा जिसको मैं छोड़ के गया था वो हमारे यहाँ पे आ चुके थे तो मैं जल्दी से इनको भी ख़त्म करता हूँ, क्या पता उससे पहले मेरे टीममेट मारे। तो गाइस जल्दी से इन्हें सबको ख़त्म करते हैं। अब हमारी आती है फ्लेयर ड्रॉप और फ्लेयर ड्रॉप में मुझे मिलती है AWM, तो मैं जल्दी से AWM लेता हूँ फिर अब चलते हैं सीधा आगे बंदों को ढूंढने, यहाँ तो कोई स्कोर आई नहीं हमसे भिड़ने, चलते हैं आगे बंदों के पास।
तो अब गाइस जोन बन चुकी थी जॉर्जो की तरफ, और अब हमें सामने वाले घरों की तरफ एक गाड़ी खड़ी दिख जाती है और एक भैया जी भी दिखते हैं हमें जो खिड़की में से हम ही देख रहे थे। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ यहीं पे गाड़ी रोक ले, यहीं से सीधा रश करना चलेंगे। तो गाइस अब देखो सारे भूखों की तरह कैसे भागेंगे किल के चक्कर में। तो मैं जल्दी जल्दी भागता हूँ, मेरे को लग रहा था ऊपर घुस जाऊँगा जल्दी किल मिल जाएंगे, पर मेरा टीममेट चलाक उसे पहले नॉक कर देता है। तो मेरे को लग रहा था नॉक करा उसने एक और बंदा भी होगा, पर बंदे निकलते ही नहीं, पता नहीं अकेले भैया जी हमारे यहाँ कर क्या रहे थे। तो गाइस हम उस बंदे को लूट के आते हैं सीधा स्कोर्ड हाउस की तरफ। इतने में सामने खड़ी मिलती है एक गाड़ी जो कि निकलने की प्लानिंग में थे, यहाँ से एक गाड़ी निकल चुकी थी तो दूसरी गाड़ी निकलने की प्लानिंग में थी। तो मैं जल्दी से मुंडी बाहर काट के करते ही भैया जी को ख़त्म। तो मेरे को लग रहा था यहाँ पे भाई इसके बंदे आएंगे इसको बचाने, जो कि आगे गाड़ी चली गई थी। तो मेरे टीममेट बोलते हैं सीधा उनको ख़त्म करेंगे, पर वो वापस आ चुके थे, हमारी गाड़ी को टक्कर मार के जाते हैं, हमें कह के जाते हैं वापस आओ हमसे पंगा लो। तो मैं इसके इतने बंदे को ख़त्म ही कर देता हूँ। तो अब गाइस देखो ये सिर्फ दो बंदे थे, हमें लग रहा था भाई तीन बंदे होंगे क्योंकि अभी एक ही पहले हमने। तो गाइस ये देखो मेरा टीममेट नशेड़ी, पता नहीं क्या ही जरूरत थी उतरने की ऐसे। तो गाइस मैं सोच रहा था गेट से ही जाऊँ, पर गेट से जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, मेरा टीममेट भी जा रहा था तो उसको भी मारी। अब मैं सोच रहा था यहाँ भैया जी हमारे डीपी उनकी रीलोड तो ही होगी, तो मैं जल्दी से आता हूँ इस भैया जी को ख़त्म करते हैं पहले, पर भैया जी के पास M4 भी थी। तो मैं जल्दी से अंदर आता हूँ, ये भैया जी भी हमारे नोक होते हैं। अब मेरे को इतना डर लग रहा था भाई इनका एक और बंदा होगा, वो पता नहीं है कहाँ। तो मैं जल्दी से ऊपर आता हूँ सीढ़ियों में, अपने टीममेट को बोलता हूँ सीढ़ियों में आ जाओ, क्या पता इनका भैया जी पैदल पैदल आ रहे हो। तो अब गाइस जल्दी से मैं हेल्थ पूरी करता हूँ और सीढ़ियों में पूरा स्मोक कर दूंगा, फिर दे के इनको रिवाइव निकलते हैं इधर से। तो गाइस जो हमने इनका एक बाहर बंदा मारा था, हम सोचते हैं उसको लूट के आए भाई, क्या ही ले रहा होगा। तो गाइस जो इनका आखिरी बंदा रहता था वो छत पे बैठा था स्कोर्ड हाउस की, AFK हो रखा था वो, तो शुक्र है नहीं तो हमारे को पेल देता भाई आराम से। तो जल्दी से हम इस सबको लूट के निकलते हैं अब इधर से। तो अब गाइस आते हैं हम सीधा जोन की तरफ, और जोन में हमें ये घर मिल रहा था और हमारी गाड़ी में इतना पेट्रोल भी नहीं था कि हम कहीं और जा पाएं। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ यहीं गाड़ी रोक ले, जोन में भी है घर सही रहेगा। तो गाइस हम जल्दी से रोकते हैं गाड़ी, अब ढूंढते हैं पेट्रोल, पेट्रोल मिल जाए तो हम आगे कहीं जा भी पाएंगे जोन बन गया तो। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तू नीचे वाला फ्लोर चेक कर, मैं ऊपर वाला देखता हूँ। पर गाइस हमें यहाँ पे कहीं पेट्रोल नहीं मिला, तो हम सोच रहे थे बस अब जोन हमारे पास बन जाए तो बढ़िया रहेगा। तो गाइस इतने में हमें पीछे की तरफ से आती है फायरिंग की साउंड, तो मैं इधर आके चेक करने लगता हूँ और मेरा टीममेट बोलता है मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैंने बोला भाई मैं तो जा नहीं रहा, यहीं पे सही कवर मिल रहा है, आराम से मारेंगे, क्या फ़ायदा ओपन में जाने का। तो अब गाइस देखो मेरा टीममेट इतनी मेहनत करके ऊपर भी जाता है और वो बंदा मेरे को यहाँ से आराम से दिख रहा था, इजीली मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ। और अब गाइस देखो उसका किल भी नहीं था, सारा डैमेज भी मैंने दिया, पता नहीं अब देखो गाइस मेरे को ये नेट से मारने की कोशिश करेगा, पर मैं बच जाऊँगा यहाँ पे। तो मैं इतने इधर आ ही रहा था और बंदे ना हो क्योंकि यहाँ पे, तो मुझे दिखती है सामने ड्रॉप गिरी हुई, तो मेरे को लग रहा था अभी गिरी नहीं होगी, ये पहले से ही गिरी होगी, फिर पता लगता है अभी गिरी है। तो गाइस देखो ये नेट मारने की कोशिश कर रहा था मेरे को, तो बच गया मैं। तो मैं जल्दी से अंदर आता हूँ, अपनी पूरी हेल्थ करता हूँ। तो गाइस मैं सोचता हूँ इतने ड्रॉप लूट के आता हूँ। तो गाइस देखो ड्रॉप लूटने जा ही रहा था तो मेरे को सामने दिखती है गाड़ी आते हुए, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ जल्दी आ जाओ भाई गाड़ी का रश हो गया, पर उसको तो शुक्र है गाड़ी रुकते नहीं है मेरे पे। मैं जल्दी से जाता हूँ भाई अब ड्रॉप लूट लेता हूँ, हेलमेट रेस्ट मिल जाएंगे क्योंकि। तो गाइस मैं आता हूँ सीधा ड्रॉप पे, ड्रॉप में मुझे मिलती है AUG, तो मैं AUG तो लगता नहीं, तो मैं वापस अपने घर की तरफ आता हूँ। तो गाइस अब देखो ये घर अभी तक जोन में है और अब मिडल में भी आ चुका है जोन के, तो भाई पूरा प्रॉफिट हो गया हमें जोन का तो इस मैच में। तो मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ, अब जो गाड़ी रुकी थी उस बंदे को देखना पड़ेगा। तो अब मुझे बंदे पता थे उधर जाके रुके हुए हैं, इतने गाइस देखो मेरे टीममेट नशेड़ी को ऊपर से गिर के मर गया। तो मैं जल्दी से जाता हूँ भाई इनके पास, क्या पता इनको कोई दूर से एंगल लेके मार ना दे। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर पूरा स्मोक कर दूंगा पहले, तो क्या पता दूर से कोई एंगल लेके ठोक देगा साले को। तो मैं पूरा स्मोक करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ उन बंदों को देखने जो गाड़ी आई थी। तो मैं इधर आता ही हूँ गाइस, अब देखो मुझे सामने बंदे दिख जाते हैं पहाड़ पर चढ़ते हुए, तो मैं इतने AWM निकालता हूँ। ये देखो मेरा पीक पता नहीं क्यों हो गया एकदम, अब मैं जल्दी से लेटता हूँ, पर वो भैया जी मेरे को देख चुके थे। अब मुझे दो तीन गोलियां मारते हैं, फिर मैं इतने यहाँ पे कवर ले लेता हूँ और अपनी पूरी हेल्थ करता हूँ, फिर सोचता हूँ यहीं पे बैठूंगा तो पक्का मेरी मौत आएगी सामने आ गए तो बंदे। तो मैं जल्दी से अंदर भाग जाता हूँ डर के मारे। सामने आ गए।
तो अब गाइस मैं अंदर आता हूँ और यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बैठे मैं थोड़ा पौआ मार लेता हूँ क्योंकि पूरी हेल्थ होनी चाहिए। तो अब यहाँ से तो मुझे लग नहीं रहा था कोई है, इतने पीछे की तरफ से साउंड आती है मेरे को फिर से, तो मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर दिख तो रहा नहीं था कोई, फिर मैं सोचता हूँ यहाँ पर कोने से देखूँ इन बंदों को, क्योंकि लेफ़्ट से भी नहीं मार पाएगा कोई और भैया जी का जोन में भी आना था उन्होंने। तो गाइस देखो मुझे भैया जी यहाँ दिखते तो हैं। अब मैं गाइस देखो रनिंग मारूँगा पर बॉडी लगेगा, शायद हेड लग जाता, तो पूरा रनिंग मारता हूँ। इतने भैया जी वापस आते हैं, मैं एक और शॉट लेता हूँ, बस ये शॉट एक और लग जाता ना तो भाई एक नंबर का मज़ा आ जाता। तो यहाँ से बच जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं हार्ड स्कोप करके बैठा रहता हूँ, मुझे पता था भैया जी मेरे पर पीक तो करेंगे करेंगे। तो देखो गाइस क्या ही पट्ट से हेड शॉट दूंगा इसको। तो अब गाइस देखो भैया जी अपनी मुंडी दिखाते हैं और करते हैं भैया जी की मुंडी सीधी खच से उड़ा देते हैं। तो भाई अब देखो गाइस मैं अपने टीममेट को बताता हूँ, यहाँ पे एक बंदा नोक पड़ा हुआ है, रिवाइव नहीं होना चाहिए, जल्दी से उन वहीं देखना। तो गाइस मैं यहीं देख रहा था तो मेरे को पीछे की तरफ से आता है एकदम फुटस्टेप्स, और भैया जी हमारे ऊपर आके बैठ जाने चाहते थे। तो मैं जल्दी से इन्हें ख़त्म करता हूँ और अब पूरा फिनिश भी कर देंगे, रिवाइव का कोई मौका नहीं देना। अब सिर्फ इनका एक ही बंदा बचा था जो कि पता नहीं कहाँ ही होगा। तो इतने मेरा टीममेट उस पेड़ वाले को भी ख़त्म कर देता है। तो गाइज 1v3 था, अब इजी चिकन डिनर आना था हमारे लिए। तो मैं को यहाँ से बंदा तो दिख नहीं रहा था, तो मैं सोचता हूँ अंदर जाके देखूँ भाई, अंदर से क्या पता सामने वाली तरफ देख रहा हो हमें। तो मैं अंदर आता हूँ तो मुझे इधर से भी नहीं बंदा दिख रहा था, तो मैं सोचता हूँ भाई उधर ही होगा जहाँ से मैं पहले देख रहा था। तो मैं वापस बाहर की तरफ जाता हूँ, इतने मेरे टीममेट उसी बंदे पे गोलियाँ चला रहे थे। तो अब गाइज देखो क्या ही किल चोरी करूँगा, एक दो गोलियां लगी होंगी सिर्फ मेरी और मैंने करा इनको खत्म। तो ये था गाइज आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइज। और हाँ गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में।